अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्प्लंक डाटा इंजेक्शन। डाटा इंजेक्शन जो है वो स्प्लंक में डन है विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शन मेन्यू फीचर ऐड डाटा। ये जो है वो सेकंड ऑप्शन प्रेजेंट है और वेलकम स्क्रीन पे और डिफॉल्ट डैशबोर्ड पर जो शो किया गया फॉलोइंग इमेज में। तो ये ऑप्शन जो है वो हमें हेल्प दे रहा होता है जिसमें आप एड कर रहे हैं फॉरवर्ड द डाटा इन स्प्लंक में। आफ्टर एडिंग द डाटा इसको हम जो है वो यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एसेंशियल फीचर्स को। यहाँ पे आप देखें कि पुट किया गया स्प्लंक इंटरप्राइज जिसमें एप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है सर्च एंड रिपोर्टिंग प्लस फाइंड मोर एप्स। यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं मोर फीचर्स को। अगेन यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया स्प्लंक इंटरप्राइज जिसमें प्रोडक्ट स्टूअर्स पुट किया गया एंड यहाँ पे एड डाटा यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर डैशबोर्ड होम पेज। आपने जो है वो क्लिक करना ऑन द डाटा बटन पे एड डाटा बटन। एड डाटा विंडो जो है वो अपियर होगी स्क्रीन पर। ये शो कर रही है कि आपने जो है वो किस टाइप का डाटा जो है वो सेंड करना है स्प्लंक प्लेटफॉर्म पर। और इसके जो है थ्री ऑप्शन है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं डाटा स्प्लंक पे। फर्स्ट आता है अपलोड, सेकंड मॉनिटर, थर्ड आता है फॉरवर्ड। फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपलोड। ये जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपलोड कर रहे हैं डाटा को फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इन टू अवर सिस्टम। इसमें हम अपलोड कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ फार्मर्स इन अवर सिस्टम, डिटेल्ड डिसीजन डिस्कशन विल बी डन फर्दर। सेकेंड आता है यहाँ पे मॉनिटर। जब हम जो है वो नीडेड होती है मॉनिटर कर रहे हैं डाटा फ्रॉम द आउटर सोर्स लाइक फ्रॉम द वेबसाइट ऐप एंड सो ऑन, स्प्लंक प्लेटफॉर्म जो है वो हम यूज कर सकते हैं मॉनिटर ऑप्शन को। एग्जांपल है जिसमें HTTP, WMI, TCP एंड UDP एंड सो ऑन। थर्ड आती है फॉरवर्ड। इसमें हम जो है वो यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन को जिसमें गेट द इनकमिंग डाटा एंड विजुलाइज कर सकते हैं स्प्लंक फॉरवर्डर। और ये जो है वो काफी सारा वेरी वास्ट एक्सेप्ट है। यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस ट्यूटोरियल में। हाउ टू गेट डाटा। डाटा फ्रॉम स्प्लंक जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ए स्प्लंक ऑफिशियल वेबसाइट। और ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें हम जो है वो यूज कर सकते हैं कैगल वेबसाइट। ये ऑब्टेन कर रहा होता है डाटा फॉर फ्री। इसमें हम यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम जो है वो डाटा किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड फीचर्स फ्रॉम इट। डाटा डाउनलोडिंग जो है वो काफी सारे फीचर सोर्सेज हैं जिसमें फर्स्ट आता है जिप फाइल जिसमें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन फाइल्स को लोकल सिस्टम पर और देन अपलोड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए हम जो है वो यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इन आवर लिस्ट जिसमें एग्जाम्पल अपलोड। अपलोड ऑप्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपलोड अ वैरायटी ऑफ फाइल्स के लिए जो कंटेन कर रहा होता है डाटा इन आवर सिस्टम। इसमें हम जो है वो यूज कर रहे हैं CSV फाइल जो गिवन दी होती है इमेज में इन अ लिस्ट ऑफ फाइल टाइप्स और जिसको आप यूज कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं अवर स्प्लंक में। यहाँ पे आप देखें कि पुट की गई है इमेज जिसमें सोर्स टाइप CSV फाइल पुट की गई है। आप फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे सेव एज। इस तरीके के काफी सारी जो है फाइल्स ओपन हुई है जिसमें एप्लीकेशन डेटाबेस ईमेल यहाँ पे लॉक्ड मैसेज इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। अगेन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टाइटेनिक डाटा फ्रॉम द कैगल वेबसाइट से और अपलोड कर सकते हैं स्प्लंक को जिसमें इनबिल्ट फीचर है फॉर द ऑटो डेडिकेशन डिटेक्शन ऑफ द अपलोड फाइल। इसमें आप चेक कर रहे हैं अपलोड ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे अपलोड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आप CSV फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर आता है, उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड आता है स्प्लंक। एक न्यू विंडो जो है वो अपियर होगी जो प्रॉम्प्टिंग कर रही है जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हैं सोर्स ऑफ डाटा को और इसमें आप क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट फाइल बटन देन सिलेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट फाइल को फ्रॉम आवर लोकल सिस्टम एंड जो है वो देन क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन पे। ये जो है वो आप ड्रैग और ड्रॉप फाइल कर सकते हैं फ्रॉम आवर सिस्टम इनटू द गिवन बॉक्स। यहाँ पुट किया गया अपलोड फाइल जो है वो अप टू 500 MB जो है वो आप कर सकते हैं इजिली। यहाँ पे एड डाटा जिसमें सिलेक्ट सोर्स है सेट फाइल है इस तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आपने सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगेन। ये देखिए ड्रॉप करनी है आपने फाइल जो 500 MB जो है वो अप टू यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। आफ्टर क्लिकिंग क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना और न्यू पेज जो है वो अपियर होगा जो आपसे पूछ रहा है कि आप सेट कर रहे हैं सोर्स टाइप। ये पेज जो है वो आपको हेल्प दे रहा है जिसमें स्प्लंक प्लेटफॉर्म जो है वो देख सकते हैं अपने डाटा को जो अपलोड हो रहा है और इसमें जो है वो डाटा लेफ्ट साइड पे और अगर टाइम स्टैम्प जो है वो एवरीथिंग लुक दे रहा है फाइन देन आप क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर पे रिप्रेजेंट किया गया। ये जो है वो रिप्रेजेंट किया गया जिसमें आप यहाँ देखें एड डाटा टाइप है उसके बाद सिलेक्ट सोर्स है उसके बाद सेट सोर्स टाइप है इनपुट सेटिंग इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन किया गया।
सेट सोर्स टाइप, ये जो है वो पेज है जिसमें आप ये देखें टाइटैनिक फुल सीएसई फाइल है। सोर्स टाइप सीएसई फाइल है जिसमें टाइम स्टैम्प पुट किया गया, डिलिमिटेड सेटिंग और एडवांस सेटिंग जिसमें आप सेव कर रहे हैं। ये टेबल रिप्रेजेंट किया गया फॉर्मेट एंड यहाँ पर पेज जो है वो रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर। इसमें जो है वो क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना और न्यू पेज जो है वो अपियर होगा जो आपसे पूछेगा इनपुट सेटिंग ऑन दिस पेज, जिसमें आप सेट कर रहे हैं एडिशनल इनपुट सेटिंग टू योर डाटा। इसमें सेवरल ऑप्शन है ऑन दिस पेज। फर्स्ट आती है होस्ट फील्ड वैल्यू, ये कंटेन कर रही है वैल्यू और द नेम ऑफ द होस्ट, एग्जांपल योर लैपटॉप नेम बाय डिफॉल्ट। इसमें हम जो है वो चेंज कर सकते हैं वैल्यू को अगर हम चाह रहे हैं। और होस्ट वैल्यू जो है वो नेम मशीन है जो रिप्रेजेंट की गई है, इवेंट जो है वो जनरेटेड है। इसमें आप चेक कर रहे हैं रेडियो बटन फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए एज अ फाइल के तौर पे, इसमें आप अपलोड कर रहे हैं वैल्यू को और कंटेन कर रहे हैं डेफिनेट कर रहे हैं। और ये जो है वो आप चूज कर सकते हैं गिवन थ्री ऑप्शंस, डिपेंड कर रहे होते हैं आप जो है वो कौन सी टाइप का कंटेंट डाटा जो है वो यूज कर रहे हैं। सेकंड आती है इंडेक्स वैल्यू, अपकमिंग डाटा जो है वो इनकमिंग डाटा स्टोर्ड है एज एन इंडेक्स के तौर पे स्प्लिंक प्लेटफॉर्म, और डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू है जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हैं डाटा के लिए स्टोर्ड कर रहे हैं दी सेंड बॉक्स। इसमें हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू लेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेटिंग से, और यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं न्यू इंडेक्स को। देन आप क्रिएट कर रहे हैं वन बाय वन, क्लिक कर रहे हैं ऑन द क्रिएट न्यू इंडेक्स ऑप्शन। इन सिंपल वर्ड्स इंडेक्स जो है वो एक नेम है और प्लेस है जिसके अंदर डाटा जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्प्लिंक प्लेटफॉर्म पे, और इसे आप इजीली फाउंड कर रहे हैं सर्च कर रहे हैं ऑपरेशन को जब यूजर जो है वो डिमांड कर रहे हैं इंडेक्स वैल्यू को। यहाँ पे आप देखें कि एड डाटा पुट किया गया, सिलेक्ट सोर्स है, उसके बाद सेट सोर्स टाइप है, इनपुट सेटिंग, उसके बाद रिव्यू एंड डन, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इनपुट सेटिंग की बात करूं जिसमें होस्ट पुट किया गया और यहाँ पे इंडेक्स, इसमें कांस्टेंट वैल्यू पुट की गई है जिसमें लैपटॉप पुट किया गया डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ से आप जो है वो क्रिएट अ न्यू वन भी जो है वो इजिली कर सकते हैं। आफ्टर द इनपुट सेटिंग इज डन, क्लिक करना आपने नेक्स्ट पेज जिसमें रीडायरेक्ट कर रहा है न्यू पेज नेम्ड रिव्यू के साथ। ये पेज जो है वो नथिंग है, इसमें शो कर रहा है स्मॉल समरी ऑफ द वर्क, एग्जांपल डाटा एंड सेटिंग जो है वो कंफर्मड है। इसमें जो आउटपुट की गई है सम फॉलोइंग फील्ड जिसमें इनपुट टाइप आती है, फाइल नेम है, सोर्स टाइप, होस्ट, इंडेक्स, जिसमें आप जो है वो सबमिट का बटन जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये देखें आप जो है वो ये रिव्यू पुट किया गया, इनपुट टाइप, फाइल, और यहाँ पे अपलोड फाइल पुट किया गया टाइटैनिक फुल सीएसई फाइल, लैपटॉप, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट की गई है एड डाटा में। After hitting on the submit button, the following page as shown must appear starting. Your file has been uploading successfully. इसमें जो आउटपुट किया गया सेटिंग एंड डाटा इनपुट जो है यहाँ पे अगेन जो है रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे आप देखें कि एड डाटा जो है वो डन किया गया, तो यहाँ पे जो है वो फाइल आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पे स्टार्ट सर्चिंग है जिसमें आप जो है वो सर्च कर सकते हैं डाटा को और देख सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स है, एड मोर डाटा है, अपलोड फाइल एप्स है, और यहाँ पे बिल्ड डैशबोर्ड जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे जो है वो बूम है जिसमें सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है आपका फर्स्ट डाटा इन द स्प्लिंक प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आप फिट कर एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑल डिफरेंट फील्ड्स को इन योर आईडिया एंड स्टार्ट कर रहे हैं सर्चिंग एंड विजुलाइजेशन ऑफ योर डाटा को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।